हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज के मैच की। धर्म वर्सेस वर्विकशायर के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसकी ड्रीम इलेवन टीम इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का ये मैच है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये वो TNPL के जो मैच था उसका मैंने वीडियो आपको नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये मैच थोड़ा रिस्की हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से मैच हार जाए। तो मैं बता दूं आपको, चेपक की टीम भी बाहर हो चुकी है। अगर आप इसमें टीम खेल रहे हो तो आप बहुत सेफ टीम के साथ जाओ, कुछ भी चेंज हो सकता है इस मैच में। अगर आप खेलना चाहो तो इंग्लिश T20 मैचेस के बहुत सारे मैचेस है वो खेलो, पर जो चेपक और डंडीगुल ड्रैगन का मैच है वो ना खेलो इस मैच में। मैं इसे बोल रहा हूँ, अगर आप खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो अपने रिस्क पे, इसलिए मैंने उसकी टीम नहीं दी है। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म और वर्विकशायर के टीम की मैं आपको पूरी न्यूज़ दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि ये आज के मैच में कौन हो सकता है आपके लिए स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन और ग्रैंड लीग के लिए भी कैप्टन वाइस कैप्टन में बताऊंगा। और आपके मैच आप आज इस मैच में आप ग्रैंड लीग भी, क्योंकि इस मैच में बहुत सारे चेंज है ऐसे है कि आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या हो सकते हैं चेंज। तो मैं बता दूंगा आपको कि आपने अगर पिछले मैचेस देखे होंगे, अगर आप इंग्लिश T20 ब्लास्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें कुछ भी चेंज हो जाते हैं। आपको बता दूं कि इस टाइम पे अगर मैं बता दूं, पिछले मैच में जो गुप्टिल खेले थे वो ऐसा किया है कि ड्रीम इलेवन ने कि जो स्क्वाड से गायब हुए, जो स्क्वाड में स्क्वाड में नहीं दिखाए गए उनको जो है ड्रीम इलेवन की टीम ने रिमूव कर दिया है। जैसे कि मार्टिन गुप्टिल, ट्रेविड सेड, इन दोनों इस मैच में नहीं खेलेंगे तो दोनों को ही ड्रीम इलेवन ने रिमूव कर दिया है। आपको पता हो, आपने अगर बारीकी से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो बात करेंगे धर्म वर्सेस वर्विकशायर के बीच में क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम। तो बात करेंगे, देखते हैं क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम। तो मैंने आपके लिए बना के रखी है, मैं आपको इस मैच में बहुत सारी न्यूज देने वाला हूँ। तो आपको बता दूं, आपने अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में बेन बॉक्स को लिया हुआ है, आपको बता दूं बेन बॉक्स जो है वो 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं, और उसी तरह पॉइंटनर है जो 8 या 9 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं। तो आपको पता है आपके लिए कौन अच्छा ऑप्शन है, बेन बॉक्स से अच्छा ऑप्शन है। और जो आपको स्टोर्ट है वो कुछ काम के ऑप्शन नहीं, इसलिए हमने इनको हमारी टीम में नहीं रखा है। तो आप देख सकते हो। फिर बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो बता दूं मैं आपको कौन कौन हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं इस मैच में। आपके लिए हमारे लिए क्लर्क अच्छे हो सकते हैं, टॉम लेथम अच्छे हो सकते हैं, कॉलम फर्गुसन, मैं आपको बता दूं कॉलम फर्गुसन इस मैच में 100% खेलते नजर आ जाएंगे। बहुत कम लोगों ने इनको लिया हुआ है, देख लेते हैं कितने परसेंट लोगों ने इनको लिया हुआ है। सिर्फ 20% लोगों ने इनको लिया हुआ है। हम इस मैच में ग्रैंड लीग भी खेल सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इस मैच में खेल सकते हो। फिर बात करेंगे ग्रेट क्लार्क की, हमने इनको लिया हुआ है। फिर अगर आप चाहते हो तो रॉस वीसली को आप ले सकते हो। फिर मैंने एक नीचे ऑप्शन लिया है, वो है आप रेन डिवाइस को आप ले सकते हो। फिर बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, तो मैंने लिया हुआ है वो है लिम को हम ले सकते हैं। आप हम बता दो आपको ये मैच 100% खेलते नजर आ जाएंगे ये मैच, तो आप इनको ले सकते हो। फिर बात करेंगे नीचे, कुछ खास ऑप्शन हमारे लिए तो है नहीं, सिर्फ लिम से है जो हमने इनको लिया हुआ है। तो बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूँ बेन स्टोक्स इस मैच में खेलते नजर नहीं आएंगे, तो इनको नहीं लेना है। बेन स्टोक्स हम इस मैच में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। फिर बात हो मोहिन अली इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे 100%, इनको भी बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है, देख लेते कितने परसेंट लोगों ने लिया हुआ है। ये आपको खेलते नजर आ जाएंगे और इस मैच में ये अगर अच्छे खेल गए तो आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो देख लिया आपने कितने परसेंट लोगों ने लिया हुआ है, सिर्फ 17% लोगों ने इनको लिया हुआ है। और आपको पता है बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, इसलिए हमने इनको लिया हुआ है। तो और बात करेंगे कॉलिंगवुड की, आप इनको स्मॉल लीग में कैप्टन रख सकते हैं पॉल कॉलिंगवुड को। फिर बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में, तो देख लेते पहले ऑलराउंडर सेक्शन में आपको बता दूँ कौन कौन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो बता दो आपके लिए जो है ओलिवी थोड़े रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, प्रिंगल इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे, फिर ईद इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो आप अगर लेना चाहो तो ऐसे प्लेयर को मत लेना जिसको मैं बोल रहा हूँ। फिर बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में आपको बता दूँ, मैं बोल देता हूँ आपको इमरान ताहिर और इनके जो क्रेडिट है वो बहुत हाई है, पर मैं आपको बता दूँ इमरान ताहिर इस मैच में डाउटफुल हो सकते हैं। तो आपको बताओ CPL चालू होने वाला है, तो CPL के लिए जो है मार्टिन गुप्टिल भी चले गए, तो ऐसा लग रहा है कि जो इमरान ताहिर भी चले गए होंगे, क्योंकि जो धर्म की टीम है उन्होंने जो है वो स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। तो मैंने जो आपको धर्म की टीम के जो प्लेयर दिए हैं वो 100% खेलने वाले दिए, इसलिए दिए हैं जो खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। और बात करें धर्म की टीम
तो इमरान ताहिर इस मैच में डाउटफुल हो सकते हैं, इसलिए हमने इनको नहीं लिया है और नथिंग रनिंग को भी नहीं लिया है, रनिंग स्टॉम्स को। फिर बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, मार्कुड इस मैच में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। फिर बात करेंगे पैट ब्रॉन आपको इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे, क्रिस रॉथ आपको इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे। फिर नीचे बात करेंगे तो जेम्स वेगलर इस मैच में आपको 100% खेलते नजर आ जाएंगे। और मैं बात करूँगी नीचे ऑप्शन की तो आपको बता दूँ मैं आपके लिए अच्छे ऑप्शन देखा हुआ है मैंने। बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की तो लुक उड आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इनको भी बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है। बात करेंगे इनके बारे में तो ये आपको सिर्फ ये एक ही मैच खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला मैच होगा उसमें ये नहीं खेलेंगे। मैं आपको बता दूँ अगर आप इनको इस मैच लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर अगले मैच में लोगे तो आपको ये इसमें अगले मैच में खेलते नज़र नहीं आएंगे। फिर बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की तो मैं आपको बता दूंगा कौन हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप ग्रैंड लीग में किसी को लेना चाहते हो तो वैन पारनेली को ले सकते हो, ये आपको 100% इस मैच में खेलते नज़र आ जाएंगे। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो वैन पारनेली को ले सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको। इनको कितने परसेंट लोगों ने लिया हुआ है देख लेते हैं कि सिर्फ 7% लोगों ने इनको लिया हुआ है और ये इस मैच में आपको 100% खेलते नज़र आ जाएंगे। और आप अगर इन पर रिस्क लेते हो, मैंने ऐसे तीन प्लेयर आपको बताया जो ग्रैंड लीग के लिए तुम्हारे लिए अच्छे हो सकते हैं, अगर ये तीन कल चल गए तो आप ग्रैंड लीग 100% विन कर जाओगे। आप अगर मैं बता दूँ आपको ग्रैंड लीग कैसी खेलनी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा कि ग्रैंड लीग कैसे खेलने जाए। पहले मैं बता दूं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, कैप्टन हमारे पॉल कोलिंगवुड रहेंगे और वाइस कैप्टन जॉय क्लार्क रहेंगे। मैं आपको ग्रैंड लीग के भी कैप्टन बता दूंगा, मैं बोल रहा हूँ आपको अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, 26 रुपये की एंट्री फीस लगा रहे हो, तो आप ऐसे सोच कर लगाओ कि 26 रुपये के 26 रुपये चले जाए और 26 रुपये की लगाइए। अगर जीतना चाहते हो तो जीतना चाहे हो तो 1-2 लाख ऐसे जीतो, तो इसी हिसाब से जो है स्मॉल लीग लगाना दोस्तों। तो आप इसी हिसाब से अगर स्मॉल लीग लगाओगे तभी आप स्मॉल लीग विन कर पाओगे, मैं बोल रहा हूँ आपको, तभी आप स्मॉल लीग विन कर पाओगे और तभी आप 1-2 लाख रुपए विन कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाजू में बेल का आइकॉन उसे भी दबा देना। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन चाहिए तो फर्गुसन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, मोइन अली आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, ये दोनों आपको ग्रैंड लीग में अच्छे ऑप्शन है। और मैंने जो आपको एक बॉलर बताया वो भी आप ले सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना। तो दोस्तों थैंक यू।